हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AEJ। सो गाइस, आज की वीडियो में रिएक्ट करेंगे शहरीमान के न्यू सॉन्ग पे, जिसका नाम है तेरे वाला घर, जो जस्ट अभी 1 or 2 hours पहले ड्रॉप हुआ है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। सो आपने नाम तो देख ही लिया होगा कि नाम है AEJ। सो हम इस चैनल पर करेंगे क्या, इस चैनल पर हम पंजाबी वीडियोज़ पर रिएक्ट, पंजाबी म्यूजिक वीडियोज़ पर रिएक्ट करेंगे, मेनली उन आर्टिस्ट पर जिनको मैंने सुन रखा है या जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ या जो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी तरफ से कोई आर्टिस्ट है जिससे मैं रिएक्ट नहीं करा, जिससे मैंने अभी तक मेरी कोई वीडियो नहीं आई, तो फॉर श्योर आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं उस पर फॉर श्योर उस पर रिएक्ट करूंगा। सो गाइस, बिना किसी वेट के अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। सॉफ्ट सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगा। कितना क्यूट बच्चा है। बचपन वाला घर, मैं तेरा बचपन वाला।
बची वीडियो खत्म हो गई। हाँ जी, तो अब डिस्कस करते हैं कि सॉन्ग और वीडियो कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि वीडियो कैसी थी। वीडियो देखा जाए तो मतलब अच्छी थी, कुछ ये कुछ मतलब एवरेज ही थी। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें थी, जैसे जो बोल रहा था वही फ्लैशबैक में चल रहा था, सभी चीजें रिकॉल कर रहा था। स्टोरी लाइन अच्छी थी, लेकिन वीडियो ऐसा कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। स्टोरी लाइन सुपर थी, जैसे बताया कि कैसे ये रिकॉल, मतलब जैसे बताया कि क्या स्ट्रगल था इसका, बाहर गया था, बाहर की कंट्री में गया था, वहाँ पे इसने कैसे स्ट्रगल करा कि मतलब अपनी मदर से, अपनी मदर से बात भी नहीं कर पाता था ढंग से कि मैं काम पे जा रहा हूँ, वहाँ अब बात करूँगा बाद में। फिर मतलब जैसे बताया कि कितना स्ट्रगल करते हैं वो, फिर मतलब पीआर के लिए कितना वो होता है कि पेपर पीआर मिल जाए, फिर मतलब सर से टेंशन जाए, फिर कहता है कि फिर घर में आके मैं दिवाली मनाऊंगा। वो चीज़ अच्छी लगी, वो थोड़ा काफ़ी मतलब ये था कि बंदा ना इससे रिलेट कर सकता है कोई भी, चाहे वो बाहर गया हो, ये वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी फैमिली वाली फील है कि हाँ बंदा रिलेट कर पा रहा है। अच्छी मतलब स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। फिर जैसे वो एंटर करता है, फिर वो रिकॉल करता है कि कैसे बचपन में चीज़ें करता था, वो बुलेट बुलेट चलाता था, कैसे मतलब अपनी फोटो ज्यादा देती हैं उसे, उसे वो सोने का वो टेप रिकॉर्डर याद आ जाता है। वीडियो भी अच्छी थी, सही थी। और अब आती सॉन्ग की, तो सॉन्ग तो शहरीमान का हमेशा अच्छा होता है, और ये भी बहुत ही बढ़िया था। इसमें जैसे जो जो लाइनें थी बहुत प्यारी लाइनें थी। लिरिक्स लिरिक्स किसके में, सुखपाल औजला के लिरिक्स हैं, अच्छा अच्छे लिरिक्स थे। और शहरीमान, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि शहरीमान मतलब अब डे बाय डे काफ़ी मतलब यंग और फिट नहीं होता जा रहा। जैसे स्टार्टिंग में आप इसके गाने सुनना, वो वाले कौन सा यार अनमुल्ले, और अब देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ये बंदा यंग होता जा रहा है डे बाय डे, और कितना फिट होता जा रहा है। मेरे को लगता है फिटनेस से बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपनी। बाकी पता नहीं, मैंने कभी मतलब इतना आप कहीं स्नैप इंस्टा पे इतना फॉलो नहीं करा इन्हें, इसलिए मेरे को इतना तो आइडिया नहीं। लेकिन अगर आपने नोटिस करा है, मतलब आपने भी अगर ये सेम चीज़ नोटिस करी है, या फिर आपने कहीं देखा हो कि इन्होंने कुछ बताया हो फिटनेस से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता नहीं। और बस यही थी, अच्छी वीडियो थी, अच्छा सॉन्ग था, मेरे को अच्छी लगी वीडियो। आप बताइए कैसा लगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक्स अलॉट, सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, डू कमेंट योर फेवरेट शॉर्ट लाइन और एनीथिंग इन द वीडियो। थैंक्स अलॉट।